वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं फनी न्यूज़पेपर हेडलाइन पार्ट 7, फनी हेडलाइंस, एंड दिस वीडियो इज बाय सम्राट की पाठशाला। तो ये जो फनी हेडलाइन न्यूज़पेपर का है, तो मैंने पहला जो सम्राट की पाठशाला का वीडियो देखा था वो था फनी न्यूज़पेपर हेडलाइन का, वो नंबर 5 या नंबर 4 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यार बहुत मजा आता, जब से मैं वो वाला एपिसोड देखा उसके बाद सारे के सारे एपिसोड हमने देखे, लेकिन सीरियसली से इतना मजेदार होता है। सो यार बैक अगेन विद दैट फनी न्यूज़पेपर हेडलाइन वाला वीडियो और आज है पार्ट 7 और बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ सम्राट के वीडियोस आ रहे हैं। सो एक्साइटेड टू वॉच इट। सो या हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते। तो क्या हाल है? फनी न्यूज़पेपर के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। है? हिंदी के लिए 2 दबाएं? अबे गलत स्क्रिप्ट कौन रख गया बे? अरे सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि साला एक गंगाराम का लौंडा मिला कि नहीं मिला? ना मुझे जानना है भाई साहब, मैं इस भाई को कष्ट में नहीं देख सकता हूँ। देखो यार, पैसे की टेंशन नहीं है, 4000 ये भाई दे रहा, 1000 मैं अपनी तरफ से दूंगा, बाकी का कम पड़े तो अपन लोग चंदा कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन साला गंगाराम के लौंडे की ढूंढ के ना गिच्ची खोदनी है, बहुत दुख दे रहा है यार वो इस भाई को। अब जिन लोगों को नहीं पता कि इस भाई की क्या तकलीफ और ये साला गंगाराम का लौंडा कौन है, तो और मत देखो वीडियो। मैं बोल रहा था ना, आजकल तुम लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो वीडियो, देखी होती तो तुम्हें पता होता कि साला गंगाराम का लौंडा कौन है। जाओ जब पहले ये वीडियो है ना, इसको पे निपटा के आओ, उसके बाद देखना ये। बताओ मेरा देश इतना बदल गया और तुमको पता ही नहीं है भाई सब क्या चल रहा है। गलत बात है, गलत बात। खैर, बात चल रही थी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस की। तो बाबू ऐसा है, चाहे इस सृष्टि का विनाश हो जाए, लेकिन साले न्यूज़पेपर वाले ना बकचोदी पेलना नहीं छोड़ेंगे। अब बताओ ये क्या हेडलाइन है? हवाई फायर में पड़ोसन के होठों को छूती हुई गुजर गई गोली। अबे तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो या बकचोदी कर रहे हो बे? तो होठ को बीच में लाना जरूरी था क्या? अबे सीधा सीधा बोल देते कि गोली मिस हो गई। यही होता है जब इमरान हाशमी टाइप लौंडा कोई भाई साहब सीरियस प्रोफेशनल होता है। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले जय पत्रकाली सरकार, जय पत्रकाली। हाँ तो भैया, आज की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। दामाद से दिल लगा बैठी सास, कोर्ट मैरिज करके घर लौटी तो बेटी हुई बेहोश। वाह सासू माँ वाह, प्यार अंधा होता है मान लिया, बहरा होता है मान लिया, गूंगा होता है ये भी मान लिया, लेकिन इतना भी नहीं होता कि तुम उम्र की दहलीज लांग जाओ। बेटी को हनीमून भेजने की उम्र में तुम खुद हनीमून पे चले तो। बताओ भरी जवानी में तुमने बेटी नए बाप पकड़ा दियो। अब न्यू बताओ, बेटी अपने पति से पति देव बोलेगी या पापा बोलेगी? ये कंफ्यूजन क्लियर कर देना। बता, माँ बनने की उम्र में सौतन बनी घूम रही है? क्या हो रहा है? सही बताऊँ ना, आजकल लोगों के भीतर गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, कोई ना रुक रहा भैया। वैसे भी इस टाइप के एक आदमी से तो मैं आपको मिलवाई चुका हूँ। सास को भगा ले आए थे? किसकी सास भगा ले आए थे? भाई की। भाई की सास को भगा लाए थे? अरे ये पता है, देखा तुम्हारी सास लगती है, अपने सास को भगा ले आए। और ये भागा भागी है ना आजकल बहुत चल रही है, अब आप इसके बारे में क्या कहोगे? दुल्हन की माँ के साथ भागा दूल्हे का पिता। सबने भगने की पड़ रही है, तो साली हवाई गलत बह रही है, कुछ मिलावट चल रही है भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ। और अभी भागने भगाने वाले न्यूज खत्म नहीं हुई है, तुम बस गिनती करते जाओ और ये वीडियो देखते जाओ। एक कांग्रेसी नेता दूसरे की बीवी लेकर भाग गया। भैया पॉलिटिक्स यूं ही बदनाम ना है, अपने सामने वाले को कैसे भी हराना है। तुमने वहाँ की कुर्सी हड़पी, उनने तुम्हारी बीवी हड़प ली। अभी और सुनो, अपने ही स्कूल के छात्र को लेकर भागी शिक्षिका। इसको फर्ज गया बॉस, तुम्हारी दाना होना चाहिए। अगर तुम्हारी ठरक, मेरा मतलब है प्यार, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है ना तो बेटा टीचर भी सेट हो जाती है। मुझे तो लगा तुम और हम ही बर्बाद चल रहे हैं बस। आजकल की पीढ़ी में कुछ ज्यादा टैलेंट आ गया भाई साहब। हम बड़ी बुजुर्ग औरतों को माँ समझा करते थे, दादी समझा करते थे, वो उनको माल समझ के हड़प रहे हैं। ये साला आजकल के बच्चों में इतना टैलेंट आ कहां से रहा है? ये शिक्षा ले कहां से रहे हैं यार ये लोग? क्या हो रहा है? अगली खबर, रात को दूल्हे के साथ लिए फेरे और सुबह प्रेमी के साथ भाग गई दुल्हन। वाह, अब दूल्हे पे क्या बीत रही होगी? तो दूल्हा इसलिए रात भर जागा था क्या? साला रात भर जाग के दही जमाए वो और लस्सी पिए कोई और भाई के साथ। अबे सुहागरात के सपने संजो रखे होंगे यार उसने। बताओ रात भर भाई जागा और सुबह उसकी बीबी हिरन हो गई। तो ये मुर्दों का राज है कि नहीं है? अबे नहीं करनी थी तो पहले ही बता देते। मुंह का दही जमा के बैठी थी बहन की बहरी लोमड़ी। क्या गाली था। अगली खबर लगाओ यार तुम। 70 साल का बुजुर्ग 18 साल की युवती को भगा ले गया।
देश के बुजुर्ग है ना भाई साहब, ये ना रुकने के, पता नहीं जवानी में कौन सी सिलाजीत खाली इनकी, बाकी गर्मी ना खत्म है कि देरी भाई साहब इन पे। हरिद्वार जाने को उम्र में सबरे बैंकॉक जाने के सपने देख रहे हैं, चार सीढ़ी चढ़ने पे तो हाँ छोड़ जावे, और शादी के लिए जवान छुरी चाहिए इन्हें। मैं बता रहा हूँ इन्हें रोक लो, इन्हें कोई दवाई रिएक्शन कर गई है। और वैसे ही इस टाइप के एक कपल से मैं आपको पिछले वीडियो में मिलवा भी चुका हूँ, क्यों याद नहीं है? ध्यान से मुझे पता है आपकी सर उम्र कितनी है? मेरी उम्र 17 70 साल जी। आपकी उम्र कितनी? 19 साल। बेटा मजे तो बुढ़ी ले रहे हैं, और हमारी उम्र इस वक्त ऐसी हो गई कि साला इधर कैरियर के बारे में सोचना पड़ता है, उधर लड़की भी ना पट रही, लड़की के बारे में सोचना पड़ता है, तो साला ना तो इधर कैरियर ही बन पा रहा है, ना इधर गर्लफ्रेंड ही बन पा रही है। अभी तो शादी हो चुकी है ना, बन रहा यार। अबे इतने बुरे तो नहीं है हम, ये मुर्दों का राष्ट्र है कि नहीं है? लड़कियां चाहती ही नहीं कि हम तरक्की करें, और क्यों चाहेंगी, आजकल तो बुढ़े जो पसंद आ रहे हैं। अगली खबर, सुहागरात के अगले दिन दुल्हन ने दिया बच्ची को जन्म। ज्यादा खुश मत हो, ये कोई नई तकनीक नहीं आई है बच्चा पैदा करने की, ये गुप्त मतदान का केस है जो शादी से पहले ही हो चुका था। वो तो रिजल्ट सुहागरात के अगले दिन निकल आया, अगर लड़की की गणित सही बैठती ना तो लड़के को कोई पता ही नहीं पड़ती। और इस सिचुएशन पे ना ये वाला भोजपुरी गाना एकदम सटीक बैठ रहा भाई साहब। क्या हुआ होगा, शादी जबरदस्ती करवा रहे होंगे, लड़की किसी और से प्यार करती होगी, लड़की ने भाई साहब प्यार की निशानी मांगी और उसने निशानी के तौर पे बच्चे ही पकड़ा दिया। लड़की वाले लड़का वालों का क्या मस्त बेवकूफ बनाया, बोल रहे हैं कि थायराइड की वजह से पेट बाहर निकला हुआ है। देखो ऐसा है, प्रेगनेंसी के पेट और मोटापे के पेट में ना जमीन आसमान का अंतर होता है, अलग ही दिख जाता भाई साहब। लड़के वालों का गजब पकड़ दिया। न्याय करो, सब न्याय करो। यार। अगली खबर, नशेड़ी निकली दुल्हन, ससुराल पहुंचते ही चूड़ा उतार फेंका, बोली चिट्टा चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं पता चिट्टा क्या होता, तो मैं उनको बता दूं, चिट्टा वही है जो अमीर लोग नाक से खींचते हैं, वही जो नमक की तरह दिखता है। एक्चुअली चिट्टा शब्द का मतलब होता है सफेद। अरे तुमने सुना नहीं होगा यार, फलानी छोरी तो बड़ी गोरी चिट्टी है, फलाना छोरा बड़ा गोरा चिट्टा है, तो वही चिट्टा यही है। नशे की लत तो ऐसी होती है कि सब काम धाम बाद में, पहले चिट्टा चाहिए। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, चिट्टा की लालच में तुम छोरी तक कुछ भी करवा लियो, कुछ भी का मतलब समझ रहे हो। ए मारो इसको। अगली खबर, सजती हूँ पर लेते नहीं, तलाक चाहिए। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बताओ क्या जमाना आ गया, जिसका साला जुगाड़ नहीं हो रहा वो भगवान से दिन रात एक ही चीज मांग रहा। एक बार दिला दे। बताओ यहाँ बीवी खुद मेनका बन के तैयार होके बैठी है, तुम साले ब्रह्मचारी बने बैठे। शर्म है कुछ शर्म आया है? इसकी बीवी भी सोच रही होगी। अगली खबर, पत्नी से परेशान पति थाने पहुंचा, बोला मुझे जेल भेज दो, कुछ दिन शांति तो मिलेगी। पुलिस नहीं मानी तो पहले पत्नी को पीटा, फिर एसपी को गिरफ्तार। कितना परेशान है वो अपनी बीवी से, मतलब बंदे ने जेल में जाने के लिए एसपी को कूट दिए एसपी ऑफिस में। भैया कौन से जुलम कर दिया कि बीवी ने जो छोरा इतना परेशान है वो। पता है आजकल के पति इतने ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजन है। रीजन नंबर एक, बीवी पूरे दिन बदलती है डीपी। पुलिस के पास पहुंचा पति, अब भैया भरी जवानी में तुम कुछ और लेने की बजाय सेल्फी लोगी तो पति तो परेशान होगा पुलिस के पास जाएगा। एक भाई और था जो अपनी फरियाद लेके पुलिस के पास पहुंचा था, याद है कि भूल गए? सर हमें रिपोर्ट ये लिखा रहे हैं कि हमारी बीवी हमें रोज हमारा मन पड़े तब दे। आना दे तो ना दे तो पुलिस केस रिपोर्ट करेंगे सर। भाई कौन धारा नहीं बनी, कौन धारा नहीं। मैंने अपने जीवन में आपको बहुत सारे दुख दिखाए होंगे, परंतु इस भाई का दुख है ना आज भी टॉप पर बना हुआ। अगर तुम इन सब परेशानी से बच रहे हो तो इस वीडियो को लाइक मारो। आज का लाइक हम रखते हैं 1,00,000 लाइक। अब भैया इस लाइक के बटन को पटक के ना ठोक दो। अगर इस पाठशाला में नए हो तो सब्सक्राइब करो भैया, उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे दबा कर और सेलेक्ट कर लेना, अगली वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। मेरी थूथ ज्यादा प्यारी लग रही हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ मैं थोड़ा ज्यादा मलूक लगता हूँ। और बकैती सुननी हो तो ट्विटर पे भी फॉलो करो, वहाँ हम बकचोदी करते रहते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज जवाद सम्राट शुक्ला। ओके यार बढ़िया वीडियो एकदम, मतलब ये सारे लोग मतलब क्या कर रहे हो यार, मतलब जिंदगी में आपको सिर्फ भागना ही है, थोड़ा कभी रुक जाओ, अपने जो प्रेजेंट है तो उनके साथ थोड़ा अच्छे से वर्क भी दो, नहीं एक के बदले एक मतलब भागे जाना है दूसरे के साथ, क्या चल रहा है? हाँ क्या क्या व्हाट इज दिस हैपनिंग। और सम्राट जी यहाँ पे जो उनके व्हाट वी कैन से अलग अलग
तरीके के हेडलाइन कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं पता नहीं, लेकिन एकदम मजेदार होता है यार। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।